अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया और जनाब आपके साथ मौजूद हूँ वादे के मुताबिक एवरी मंडे 2 o'clock ईट राइट फॉर लाइफ। ये प्रोग्राम जो है एडवर्टाइजमेंट और इंटरटेनमेंट के लिए पेश किया जाता है डीएम की तरफ से, और इसमें जो भी हमारी इस प्रोग्राम में राय होगी, जो भी हम आपको टिप्स देंगे, जो भी हम आपको सपोर्ट करेंगे, वो हम करेंगे आज ए कुदरती अज़ा से। न्यूट्रिशन जो है हमारे जो कुदरती अज़ा हैं, जो कुदरती तौर पर हमें मिलते हैं, और सब जानते हैं, हमारे जितने नाज़रीन हैं प्रोग्राम देखते रहते हैं हमारा, और किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ जनाब न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट मौजूद होती हैं, माशाल्लाह शी इज़ एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स और रजिस्टर्ड विद बांट एंड सीएनएचसी, और उसके अलावा हमारे साथ इनका अपना माशाल्लाह 15 ईयर्स का तजर्बा है, जिसमें न्यूट्रिशंस यानी कुदरती जो गज़ाइत जो होती है, गज़ा क्या चीज़ है और गज़ा को हज़म करने का क्या तरीका है, और इस तरह जो डिफरेंट हमारी हम लोग देखते हैं अक्सर कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं खाने की तरफ आती हैं, वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, हम लोग खा तो लेते हैं, हमें पता नहीं होता हम क्या खा रहे हैं, क्या हमारे लिए अच्छा है और वो गज़ाइत से भरपूर है या नहीं है। अब ये नहीं होता कि हम पकौड़े समोसे खाने में लगे हुए हैं और हम कहते हैं जनाब हमने खाना खा लिया, पेट भर गया, तो वो जनाब गज़ा अंदर चलेगी 10 से, लेकिन जब हम उस पर आते हैं, गज़ा को हज़म करने के उसमें आते हैं, वो उसमें प्रोसेस से गुजरते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मरला होता है। और हमारी जो इस प्रोग्राम की गेस्ट हैं वो स्पेशलिस्ट इन डाइजेस्टिव इशूज़ हैं और अफशान आबिदी माशाल्लाह न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट हैं 15 ईयर्स से, और माशाल्लाह बड़ा ह्यूज बड़ा एक्सपीरियंस है जो कि लोगों को मदद कर रही हैं, और इस लाइक आपको किसी भी तरह की किसी भी तरह की आप प्रॉब्लम में हैं, कोई आपको डाइजेस्टिव इशू है, या आपको अपने किसी भी क्या खाना है अच्छा, क्या खाना बुरा है, कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए अच्छी नहीं है, उसके बारे में आपने मालूम करना हो, ये प्रोग्राम जनाब आपके लिए हाजिर है, आपकी खिदमत में हाज़िर है। और एवरी मंडे को ये प्रोग्राम होगा 2 o'clock और 2 से 3 हमारे साथ हमारी न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट मौजूद हैं। मैं खुद बड़ी सरप्राइज हूँ माशाल्लाह कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे खाने में हमारे लिए इस कदर नुकसानदेह होती हैं, जो कि हमें पता भी नहीं होता, हम खा रहे हैं, दिन नहीं देख रहे, रात नहीं देख रहे, शाम नहीं देख रहे, हमें ये नहीं पता कि हमारी जिस बीमारी से हम गुजर रहे हैं, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है जनाब कि आप ऐसा करें, ये दवाई ले लें और इस दवाई के साथ आपको जनाब आप ठीक हो जाएंगे। अब आप 3-4 दिन 5 दिन दवाइयाँ खाते रहते हैं, उन दवाइयों का टेबलेट का मेडिसिन का असर क्या होता है कि आपका एक हिस्सा ठीक हो रहा होता है, दूसरे पर कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुँच रहा होता है, और हर एक की बीमारी, हर एक की प्रॉब्लम जो है दूसरे से डिफरेंट है, किसी को जिगर का प्रॉब्लम है, किसी को दिल का प्रॉब्लम है, किसी को गुर्दों का प्रॉब्लम है, यानी हर एक का जिस्म का कोई प्रॉब्लम पेरेंट्स से मिली हुई है, कोई वैसे चल रही है माहौल में है, तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए, इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए, डॉक्टर से बचने के लिए हम जनाब सबसे अच्छा जो तरीका अपनाते हैं वो है कि हम अपनी ग़ज़ा को इक्वालिटी पर रहें, कि ग़ज़ा हम जो खा रहे हैं, जो हम जो चीज़ भी हम खाते हैं, हम उसको देखें कि उसमें क्या मौजूद है। जिस तरह हमें कई ऐसे हमारे पास हमारे बहन भाई मौजूद हैं जिनको कुछ खाने से एलर्जी हो जाती है और पता भी नहीं चलता, आप नोट भी नहीं करते कि जनाब हमें अगर हमने ये खाया है तो इससे हमें कोई एलर्जी हुई है, जिस तरह खारिश की प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी, जिस तरह अक्सर लोगों को एक्जिमा होता है, कुछ चीज़ें खाने से वो बढ़ जाता है, कुछ चीज़ें खाने से वो कम हो जाता है, तो जिन चीज़ों से वो कम होता है इस प्रोग्राम में वो बताया जाएगा कि जनाब आपने अपनी डाइट को, अपनी ग़ज़ा को कैसे ग़ज़ाइयत से भरपूर बनाना है। तो जनाब हमारी जो प्रोग्राम की गेस्ट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, अफशान आबिदी, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, फिर उनसे पूछते हैं जनाब आज की बड़ी अच्छी अच्छी हम चीज़ें पूछेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव कैसे अच्छा हम कर सकते हैं, अपना जो निज़ाम इन्हज़ाम है यानी ग़ज़ा को हज़म करने का जो निज़ाम है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, आज हम उनसे पूछेंगे। पहले वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, बिल्कुल। माशाल्लाह ग़ज़ा को अगर आप अच्छे तरीके से लें तो आप स्मार्ट भी रह सकते हैं और आपको किसी एक्सरसाइज की भी ज़रूरत नहीं, एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है? एक्सरसाइज की ज़रूरत तो आपको हमेशा होती है, हाँ, मगर इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या खा रहे हैं, हाँ, किस तरह आप उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, किस तरह आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है, हर फूड आपको डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करता है, हर फूड हर एक को डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करता है। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, जब हम च्यू करना स्टार्ट करते हैं फूड को,
क्योंकि च्यूइंग से ये होता है कि हमारे जो स्टमक में एंजाइम्स हैं और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं. इसीलिए हम बहुत एम्फेसाइज करते हैं जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं दैट दे नीड टू च्यू देयर फूड प्रॉपरली, क्योंकि वो जितना अच्छे तरीके से च्यू करेंगे उतना आपका जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस फ्लो होंगे एंड फिर आपकी डाइजेशन बेहतर होगी, ईजी हो जाएगा आपके स्टमक के लिए उस फूड को ब्रेक डाउन करना. बिल्कुल सही. तो पहला स्टेप तो आपका हो गया कि हाउ यू च्यू योर फूड. दूसरा स्टेप ये हो गया कि लोगों को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके बारे में उनको आइडिया नहीं होता, वो सीरियसली नहीं लेते. फ्रॉम एसिड रिफ्लक्स टू कॉन्स्टिपेशन टू IBS, ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे पास रोज जैसे देखने में आते हैं. बिल्कुल सही बात. कॉन्स्टिपेशन का ये है कि लोग कहते हैं कि इट्स नॉर्मल, उनको पता नहीं है कि हाउ मेनी टाइम्स शुड यू हैव अ बाउल मूवमेंट. इफ यू हैविंग लेस देन 3 बाउल मूवमेंट्स अ वीक देन यू आर कॉन्स्टिपेटेड. बिल्कुल सही. तो आपने फिर अपनी डाइट में जो है वो फाइबर इंक्लूड करना है. फाइबर आप इस तरह इंक्लूड कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्लैक्स सीड एक बहुत अमेजिंग चीज़ है जो आप ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में. वेजिटेबल्स भी आप एज सैलड्स, लाइटली बॉयल्ड, इन सब में काफ़ी हाई फाइबर होता है, ये आप ऐड करें अपनी डाइट में. एंड देन प्रूनस एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है उन लोगों के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन है. प्रूनस आप जो है वो रात को सोने से पहले 4 या 5 खा लें तो आपका सिस्टम क्लियर हो जाता है. एंड एवरी डे आपने अपनी डाइट में ये चीज़ें रखनी है. सही. तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके लिए फिर हम डिफरेंट एडवाइजेस देते हैं. अगर किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है तो वी हैव आवर ओन ब्लेंड ऑफ सप्लीमेंट्स. यानी आपके पास सप्लीमेंट्स मौजूद हैं? जी, हमारे अपने ब्लेंड्स हैं जो हम अमेरिका से इम्पोर्ट करते हैं. ठीक है. दे वेरी प्योर एंड दे वेरी जिसे कहते हैं ना थेरेप्यूटिक लेवल्स हैं. अच्छा, दैट्स रियली गुड. उनके जो वो बहुत इफेक्टिव हैं. तो आप थोड़ा से टाइम तक लेंगे देन यू विल फील अ डिफरेंस. क्योंकि यही है कि वो फूड सोर्स्ड है. जैसे कि आप अगर एक बोल भर के समझे स्ट्रॉबेरीज का खाते हैं, जितनी विटामिन सी आपको उस एक बोल में से मिलेगी उतनी ही विटामिन सी इक्विवेलेंट आपको सप्लीमेंट से मिल जाएगी. बट वी नॉट एडवाइजिंग कि आप फ्रेश फ्रूट्स ना खाएं. दिस इज जस्ट टू ऐड टू इट. अगर आपने अपनी डाइट में बूस्ट करना है किसी स्पेसिफिक विटामिन को, मिनरल को या इवन फाइबर को, देन वी कैन हेल्प यू सजेस्ट सम सप्लीमेंट्स. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. और नाज़रीन, वाकई ये बात बड़ा ज़रूरी है कि हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही ठीक नहीं है तो जनाब कुछ भी ठीक नहीं है. आप चाहे कुछ भी खा रहे हैं, आपने अपने निज़ाम इंतज़ाम को यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब किया हुआ है तो आप जनाब बीमारियों की जड़ हैं. इस तरह ही कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है. ठीक है. और अगर आपने सही नहीं खाया, अक्सर लोग कहते हैं ना कि आप रात को अगर आप दूध ले लें, छिलका जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है. छिलका जिसे कहते हैं हम, क्या बोलते हैं हम छिलके को, इसको कहते हैं सिलेनियम हस्क जो इस्बगोल होता है. इस्बगोल होता तो है. इसका बहुत इजी तरीका है लेने का, क्योंकि इसका काफ़ी ब्लैंड सा टेस्ट होता है और पानी में मिला के लेना कुछ लोगों को मुश्किल लगता है क्योंकि बहुत स्लाइमी सा बन जाता है. तो उसका एक ईजी तरीका ये है कि आप 1 टेबल स्पून भर के ठंडे ऑरेंज जूस में उसको डाल के एंड क्विकली स्टर करके ले लें तो आपको फिर ज़्यादा फील नहीं होगा, वो स्लाइमी उसको होने का टाइम नहीं मिलेगा ठंडे अगर ड्रिंक में वो होगा. बट दैट इज अ फैंटास्टिक थिंग अगर आप वो अपनी डाइट में एवरी डे इंक्लूड करें, जस्ट अ टेबल स्पून और टू डिपेंडिंग कि यू नो आपकी किस तरह की क्रॉनिक अगर कॉन्स्टिपेशन है. इफ यू हैव बीन कॉन्स्टिपेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम देन मे बी आपको डोज थोड़ा इंक्रीज करना पड़े. यू कैन मे बी टेक 3 or 4 tablespoons. इससे कोई नुकसान नहीं है बिकॉज अगेन ये प्योर नेचुरल चीज है. अच्छा, वो ऑरेंज जूस, ये जो ऑरेंज जूस हम डिफरेंट बाजार से ले लेते हैं, और ये वाला ऑरेंज जूस कैसा होता है पीने के लिए? वैसे इसमें कितने परसेंट शुगर की मिकदार होती है? अच्छा, ऑरेंज जूस या किसी भी किस्म का जूस आप लें तो पहली चीज़ आप ये देखें कि लेबल के ऊपर इट शुड नॉट से फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट. कॉन्सेंट्रेट से नहीं होना चाहिए. इसका मतलब है वो बहुत हाई इन शुगर है, वो फ्रेश नहीं है. सही. हमेशा लेबल पर लिखा होना चाहिए नॉट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट. अच्छा, मतलब कि वो थोड़ा प्योर फॉर्म में है. थोड़े बहुत प्रिजर्वेटिव्स तो होंगे जाहिर बात है क्योंकि वो पैकेज्ड है. बिल्कुल सही. एंड वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बट आजकल देर आर सच अ गुड वैरायटी ऑफ फ्रेश जूसेस, स्पेशली बीट रूट जूसेस एंड फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल जूसेस की ब्लेंड्स. तो इस तरह के आजकल बहुत सारे जूसेस, अगेन दे हेल्प विद सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन. एंड देन अगेन कॉन्स्टिपेशन एक मेजर चीज़ है जो डाइजेस्टिव इश्यूज के साथ रिलेटेड है. एक और बहुत कॉमन चीज़ है IBS. IBS को एक टर्म दे दी गई है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. ये एक सिम्टम्स जिनको होते हैं
उनके लिए एक टर्म रख दी है कि जिनका जो है वो स्टमक अपसेट रहता है, जिनको जो है वो खाना खाते ही टॉयलेट जाना होता है, जिनको जो है वो डायरिया रहता है, और जिनको जो है वो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसके लिए एक टर्म डॉक्टर्स यूज़ करते हैं विच इज़ IBS. उसके ट्रीटमेंट्स जो है वो एज सच कोई अवेलेबल नहीं है. सम पीपल से कि ये स्ट्रेस रिलेटेड है, इट इज़ डेफिनेटली स्ट्रेस रिलेटेड, मगर उसका ट्रीटमेंट फूड से है कि आप राइट काइंड ऑफ फूड्स अगर खाएँ, राइट अमाउंट ऑफ फाइबर अपनी डाइट में रखें, कामिंग फूड्स अपनी डाइट में रखें, डिपेंडिंग वॉट टाइप ऑफ IBS यू हैव. इस IBS की भी दो किस्में हैं, एक IBS-D है जिसमें आपको डायरिया रहता है, आपको लूज मोशंस रहते हैं, एंड एक IBS-C है जिसमें आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है. सही. सो डिपेंडिंग आपको किस किस्म का IBS है. अच्छा अच्छा, ये जो अक्सर ऐसा होता है, हम सोचते हैं जनाब ये वेरी गुड है कि अगर किसी ने खाना खाया, फौरी तौर पे खाना खाया, और खाना खाते ही उसको जनाब जाना पड़ता है, उसको पेट में दर्द सा फील होता है और एकदम से आप वॉशरूम जाते हो, तो क्या ये हम ये सोचते हैं अक्सर हमारे में, हम लोग जो ज़्यादा डाइट की तरफ होते हैं, एक्सरसाइज की तरफ होते हैं, लड़कियाँ स्पेशली, लड़के भी अब तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं अबाउट हेल्थ, अबाउट लाइक मोटे ना हों, तो ये जो है क्या ये ठीक नहीं होता कि एकदम से आप वॉशरूम में जाते हो खाना खाते ही? नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है. बिल्कुल नॉर्मल नहीं है. खाना खाने के बाद आपको ब्लोटिंग नहीं होनी चाहिए, आपको इमीडिएटली टॉयलेट नहीं जाने की अर्ज होनी चाहिए. सही. अगर ये चीज़ें हैं, ये एक साइन है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं वर्क कर रहा. सही. कमज़ोर है, वीक है. जैसे ही आप खाना खा रहे हैं वो उसको ब्रेक डाउन सही से नहीं कर रहा, या सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रही चीज़ें, एंड आप क्विकली टॉयलेट की तरफ भाग रहे हैं. सो वी नीड टू लुक डीपर इनटू इट एंड गाइड यू हाउ टू डील विद इट. सही. अच्छा अच्छा, अब वो सारी मैंने चीज़ मैंने समझ ली, और हमारे जो नाज़रीन है वो भी दे डू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. आप क्या कहोगी, व्हाट इज गुड डाइजेशन? राइट, गुड डाइजेशन यही है कि आपको कोई सिम्टम नहीं होना चाहिए खाने के बाद. अच्छा. आप खाना खाएं, आप बिल्कुल एसिड रिफ्लक्स ना हो आपको. एसिड रिफ्लक्स में होगी एसिडिटी जो फील होती है, हार्ट बर्न जो फील होता है, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए. विद एनीथिंग, यानी कोई भी चीज, एनीथिंग विद एनीथिंग. ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा स्पाइसी अगर इंसान खाता है तो थोड़ा बहुत, मगर नॉर्मल अगर आप फूड खाएं तो आपको एसिड रिफ्लक्स की कोई शिकायत ना हो, हार्ट बर्न ना हो, आपको ब्लोटिंग ना हो कि खाते आपको ऐसे लगे कि पेट आपका ब्लोट हो गया है और आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, इवन दो अगर आपने ज़्यादा नहीं भी खाया हो. दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो है वो नींद ना आए. कुछ लोग हैं वो ब्रेक डाउन फूड सही से नहीं कर सकते, या अगर हाई कार्ब्स उन्होंने खाए हैं तो खाना खाते स्लगिश हो जाता है उनका सिस्टम. हाँ, उनको फील होता है कि बिल्कुल यू नो दे वांट टू टेक अ नैप, या उनको सोना है. ऐसा ना हो. ये सब चीज़ें अगर हैं तो यू नीड टू कीप एन आई ऑन इट कि समथिंग इज़ नॉट राइट. मे बी जो चीज़ें आप खा रहे हैं वो आपको सूट नहीं कर रही हैं, मे बी आपको कोई फूड इंटॉलरेंस है. मिल्क एक बहुत कॉमन चीज़ है स्पेशली इन एशियंस, क्योंकि मिल्क में एक एंजाइम होता है लैक्टोज. अच्छा. वो कभी कभी आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, सो यू रियली नीड टू स्टे अवे फ्रॉम मिल्क. अगर आपको मिल्क पी के कोई सिम्टम्स हो रहे हैं, ब्लोटिंग, डायरिया, किसी भी किस्म का डाइजेस्टिव इश्यू हो रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस फूड इज नॉट राइट फॉर मी, ये मुझे सूट नहीं कर रहा. अनदर थिंग इज ग्लूटन या ब्रेड, क्योंकि ग्लूटन आपको ब्रेड में, बिस्किट्स में, केक्स में, हर चीज में ग्लूटन है. अगर आप ग्लूटन इंटॉलरेंट हैं, देन अगेन आपको खाते ही फॉरन सिम्टम फील होगा ब्लोटिंग का. आपको ऐसा लगेगा मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है, बहुत फुल आपको फील होगा. कुछ लोग हैं उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो जाती हैं खाने के बाद, इतना उनका जो स्टमक है वो ब्लोट हो जाता है. दैट्स नॉट, और वो हमें समझ नहीं आता कि वो हमें क्यों हुआ है. हम सोचते हैं यार बीमार हैं हम, बस जी मौसम की वजह से असर है, या इस तरह की चीज़ें हम सोचते हैं, जबकि एक्चुअली वो होता आप जो भी कुछ खा रहे होते हैं उसकी वजह से होता है. हमारे पास कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हम कर सकते हैं, दे वेरी सिंपल टेस्ट जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं. इट्स जस्ट अ फिंगर प्रिक टेस्ट. सही. तो उसमें थोड़ा सा आप फिंगर प्रिक से ब्लड लेके देन वी सेंड इट टू आवर लैब्स एंड वी कैन गिव यू अ फुल डिटेल ऑफ थिंग्स दैट यू आर इंटरेस्टेड टू. तो चीज़ है जो हमारे पास है और ईजिली जो है लोगों को पता चल सकता है विच फूड्स टू अवॉइड, विच फूड्स टू ईट. तो ये एक वेरी इफेक्टिव टेस्ट है, इट्स क्वाइट स्पेसिफिक एंड क्वाइट एग्जैक्ट. सही सही, बिल्कुल ठीक है. और नाज़िम, मैं आपसे भी कहती चलूँ कि अगर आपको
किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये हर एक को होता, मतलब ये आई थिंक सो 50-60% लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, हम ये समझते नहीं हैं, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सही नहीं है, वही वजह है आपके बीमारियों की। अगर आप डाइजेस्ट ही सही नहीं कर सकते, आपको सर में दर्द है, आपको एसिडिटी हो जाती है, आपको गैस हो जाती है, कहते हैं जैसे अक्सर लोग कह रहे होते हैं माइग्रेन जो है, जो आधे सर का दर्द है, वो उसका ताल्लुक है ना हमारी इस खाने पीने के साथ। हमारे साथ एक कॉलर भी आ गए, इनको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आई एम रियली सॉरी, आपकी कॉल, जब आप कॉल करते हैं तो आप एक चीज़ केयरफुली देखिए कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें और टेलीफोन पर सुनिए, ताकि आप इजीली हमें सुन सके और हम भी आपको समझ सके। अच्छा, बात हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कॉमनली मौजूद है लोगों में। अच्छा अफशान, आप मुझे ये बताइए कि जो कॉमन टाइप्स होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की कॉमन पीपल में, वो किस तरह की होती हैं, कितनी टाइप होती हैं जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम होती है, ये किस टाइप की होती है बेसिकली? ये यही आम टाइप की होती हैं, एसिड रिफ्लक्स हो गया आपका, एसिडिटी हो गई, हार्ट बर्न हो गई, ब्लोटिंग हो गई। क्योंकि इंटरेस्टिंगली लोग समझते हैं जब उनको हार्ट बर्न या एसिड रिफ्लक्स की शिकायत है, तो वो कहते हैं कि शायद हमारा स्टमक एसिड बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से हमें एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। मगर इट्स द अदर वे अराउंड, आपका स्टमक एसिड कभी कभी लो होता है जिसकी वजह से आपको एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। देयर इज अ वेरी सिंपल होम टेस्ट जो हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं, दे कैन डू इट एट होम टू फाइंड आउट कि उनका स्टमक एसिड लेवल ठीक है, कम है या ज्यादा है। क्योंकि देखिए, अगर आपका स्टमक एसिड लेवल ठीक नहीं होगा, दैट इज द स्टार्ट, जहाँ से डाइजेशन आपकी स्टार्ट होती है। अगर आपका वो बैलेंस नहीं होगा तो आप फूड ही ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, अगर फूड ब्रेक डाउन नहीं होगा तो आप फूड एब्जॉर्ब नहीं करेंगे अपने ब्लड स्ट्रीम में, अगर आप एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो फिर आपको ये सारी शिकायतें होंगी, फिटीग हो गई, हेडेक्स हो गए, माइग्रेन्स हो गए, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं वो सब ज़ाया हो रहे हैं, वो आपके ब्लड में आपकी सेल्स के अंदर नहीं जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए आपको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, वो ए से स्टार्ट करना है, एंड द फर्स्ट स्टेप इज योर स्टमक एसिड लेवल्स। बिल्कुल सही, और ये अगर किसी ने चेक करना हो, किसी ने आपसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कोई आपके पास आता है, तो सबसे पहले आपका यही होता है कि आप उसका पहले सिस्टम का लेवल चेक करेंगे कि वो किस लेवल पे ग़ज़ा को हजम करने की रखता है, मतलब इतनी उसके अंदर है कि वो अपने अंदर इतनी ताकत रखता है कि नहीं रखता, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कितना है। तो अच्छा ये है कि हमारे अक्सर हम लोग देखते हैं ना कि हमारे जो जितने ज़्यादातर बड़े बूढ़े हैं, कुछ लोगों को ऑब्वियसली जवान तो चलो जल्दी में है ना, उनको तो ये कि जल्दी जाना है तो वो च्यू नहीं करते। जो हमारे एज लोग हैं उनको कहीं दांतों का इशू है, कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करती हो, उनके लिए क्या अच्छा होना चाहिए चीज़ के, वो क्या लें और क्या चीज़ों में उनको डाइजेस्टिव सिस्टम उनको आसान बन सकता है? उनके लिए ये है कि हम डाइट तो वही है, मगर फूड को थोड़ा सा सॉफ्टन कर सकते हैं। जैसे आप उनको बॉयल्ड या थोड़ा सा स्टीम फूड दें ताकि वो सॉफ्ट हो। इवन आफ्टर बॉइलिंग और स्टीमिंग, जिनको बहुत ही ज़्यादा डेंटल इश्यूज है, वो बिल्कुल भी च्यू नहीं कर सकते, तो आप जैसे बेबी फूड होता है, आप मैश करके दे देते हैं उनको, सारा फूड आप बॉयल करके मैश कर सकते, तो न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर रहते हैं, बट स्टिल जो है वो ईजिली आप खा सकते हैं। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, अगेन स्टमक एसिड विद एज आपका लो हो जाता है। बिल्कुल सही बात, अगर एक्सरसाइज नहीं है आपकी लाइफस्टाइल में, एंड आप जो है वो ज़्यादातर बैठ के अपना टाइम गुजार रहे हैं, तो स्टमक एसिड लेवल्स कैन फॉल लो। तो उसके लिए ये है कि कभी कभी उनको एडिशनल हेल्प की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हम उनको दे सकते हैं, जो हेल्प करते हैं टू बिल्ड अप देयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, टू बिल्ड अप देयर स्टमक एसिड, ताकि वो फूड डाइजेस्ट कर सके, उनको फिर ये इश्यूज ना हो। तो इट डिपेंड्स कि किस तरह के क्लाइंट्स हैं, क्या उनके इश्यूज हैं। अच्छा, अगर कोई आपके पास आता है, कहता है जनाब मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम, मुझे उसे पता ही नहीं होता, आम नॉर्मल बंदे को पता भी नहीं होता कि यार मैंने, मुझे शायद डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, मेरा हजम नहीं हो रही खुराक, और वो इस चीज़ को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते कि वो कितनी दफ़ा टॉयलेट गए, कितनी दफ़ा उन्होंने उनकी बॉडी मूवमेंट्स हैं कि नहीं है, इस चीज़ को बताने के लिए आप उनको कैसे, अगर आपके पास कोई आता है तो आप कैसे उनको स्टार्ट करती हैं उनका, कि उनको उनको सारा दिन का अपना एक डाइट प्लान देखना होगा, प्लान लिखना होगा, कैसे आप उसको करती हैं? जो हमारे क्वेश्चनर्स हैं जो हम उनको देते हैं फिल आउट करने के लिए, उसमें एक सेक्शन है फूड डायरी का, जिसके अंदर वो 7 डे अपनी फूड डायरी रिकॉर्ड करते हैं कि वो सुबह से लेके
रात तक क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और उनकी बाउल मूवमेंट्स कितनी हैं दिन की, तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि क्या उनके सिस्टम में चल रहा है। फिर उनका फ्लूइड इनटेक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का एक मेजर रीज़न लो फ्लूइड इनटेक भी है। कुछ लोगों को प्यास नहीं लगती तो उनको पता ही नहीं है कि हम पानी कम पी रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। दो लीटर तो हमने सुना है कि पीना है और लोग एम करते हैं पीने के लिए, मगर आप उसका हिसाब कैसे रखेंगे? तो हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि आप एक दो लीटर की बॉटल भर के सुबह अपने किचन काउंटर पर रख लें इफ़ यू आर एट होम, एंड देन यू मेक श्योर कि शाम तक वो बॉटल आपकी फिनिश हो। बिल्कुल सही। सारा दिन आप उसको थोड़ा थोड़ा पीते रहें। देन अगर आपको जो है वो हर्बल टीज पसंद है, तो देर आर सम स्पेसिफिक हर्बल टीज जो कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे IBS के लिए पेपरमिंट टी इज रियली गुड, इट्स वेरी कामिंग। तो अगर आपको IBS है, IBS अगर डी है स्पेशली डायरिया IBS, या खाते ही आपके पेट में तकलीफ हो जाती है और हजम आपको नहीं हो रहा खाना, तो आप फ्रेश मिंट टी बना सकते हैं। आपने पुदीने के थोड़े पत्ते लिए, हॉट वाटर में डाल दिए, तो यू नो ये सारी चीज़ें आपको एड करती हैं इन योर डाइजेशन। सही, बिल्कुल ठीक है। बड़ी अच्छी बात चल रही है, बड़ा अच्छा हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये हर एक कोई प्रॉब्लम होता है, किसी ना किसी को डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम ज़रूर होती है। तो जनाब हमारे साथ रहिएगा, और बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स भी हैं। आज एक स्पेशल टिप है जो कि हमने देखनी है कि अगर हम रोटी ना खाएँ, ब्रेड ना खाएँ, तो हम क्या लें। तो जनाब उसके लिए हम बिल्कुल प्रोग्राम के लास्ट में हम अफशान से पूछेंगे टिप ऑफ द डे, और एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, कहीं मत जाएगा नाजिन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ईट राइट फॉर लाइफ, और हमने बड़ी अच्छी चीज़ें डिस्कस की। हमारे साथ न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट मौजूद हैं अफशान आबिदी, 15 इयर्स से माशाल्लाह इनका एक्सपीरियंस है, और रजिस्टर्ड विद बांट एंड CNHC, और स्पेशली जो इनकी जो स्पेशल क्वालिफिकेशन है वो हार्मोन्स एंड डाइजेसिव इशूज़ पे है, और वही हम डाइजेसिव इश्यूज़ भी हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक भी डाइजेसिव प्रॉब्लम्स हैं, और इतनी ढेर सारे क्वेश्चन जहन में आते हैं, आपको भी आ रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, लाइव स्क्रीन पे आपका नंबर मौजूद है, आपको किसी भी तरह के कोई डाइजेसिव इश्यूज़ हैं आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। बजाय कि आप ऐसी डाइट को यूज़ करें जो कि आपको बजाय डाइजेस्ट करने के आपको ख़राब कर रही हो, आप डाइजेस्ट ना कर सकें और आपको पता भी ना चले कि यार ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप कॉल करें और रहनुमाई हासिल करें। अफशान आबिदी से, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट हैं और माशाल्लाह 15 ईयर्स से इनका तजर्बा है और जो है एक्सपीरियंस है, और जो हमारे सबसे बड़ी जो हमारी जो बीमारियों की जड़ है, कॉन्स्टिपेशन और खाना हजम ना होना, जब आपको खाना ही हजम नहीं हो रहा तो आपके अंदर तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे जनाब हमारे क्लिनिक पे बड़े अच्छे सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, हर्बल टीज हैं, और आपको प्रॉपर एक डाइजेस्टिव प्लान आपका बनेगा, जो कि जिसपे कि आपका डाइट प्लान होगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या खा रहे हैं, और आपको फूड जो आपको दिया जा रहा है या जो आपको दिया जा रहा है जो आप पहले यूज़ कर रहे थे, कितना उसमें डिफरेंस है, आपने कितना आप फिर ऑब्वियसली जब आपके ऊपर कोई चेक होता है, क्योंकि डॉक्टर आपके ऊपर चेक नहीं रखता, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको सिंपली दवाइयाँ देता है, वो कहता है जनाब आपकी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, आपका ये लेवल, आपका ये हिस्सा जो है वो ज़्यादा है, ये हिस्सा जो आपके अंदर बीमारी का ये हिस्सा इस लेवल पे है, ये हिस्सा इस लेवल पे है, वो आपको सिर्फ ये करता है कि दवाइयाँ देता है, और आप कहते हैं जनाब दवाइयाँ लेते हैं और दवाइयाँ आपका आके खा के, तो आपने बीच में कोई एहतियात नहीं करते। एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अगर आप एहतियात कर लें अपनी ग़िज़ा में, अपना मैनर भी ले आएँ, बैलेंस ले आएँ,
तो बैलेंस डाइट जो है आपको सबसे ज़्यादा भरपूर रखती है आपको ज़िंदगी को, आपकी ज़िंदगी आसान, किसी के मोहताजगी नहीं है, बीमारी नहीं है। और डाइजेस्टिव इश्यूज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा बुरे तब होते हैं जब हम अपने साथ डिफरेंट केमिकल्स केमिकल किस्म के फूड, आपको चिन बैग वाले फूड और आपको उस तरह के फूड जो जल्दी में हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, ताज़ा सब्ज़ियाँ ताज़ा फल हम लोग यूज़ नहीं करते, और बाहर के फूड खाना और फास्ट फूड लेना, ये सब कुछ जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा गलत है। और मेरे जहन में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, हम फ्रूट खाते हैं, हमारे हमें पता नहीं हमने कौन सा फ्रूट खाना है, उसकी कितनी मिकदार लेनी है, हमने जब खाना खाया चलो जी फ्रूट खाने बैठ गए, बे इंतहा हमने खाना शुरू किया, जो भी खाते हैं बे इंतहा खाते हैं। तो क्या कहती हैं अफशा जी आपके, हमें फ्रूट कब खाना चाहिए और कौन सा खाना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए? देखिए फ्रूट्स में नेचुरल शुगर्स होते हैं, तो ज़्यादातर हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हम फ्रूट एज अ डिज़र्ट खाते हैं खाने के बाद। हाँ बिल्कुल, उससे ये होता है कि हमारे पेट में पहले खाना जाता है उसके बाद फिर फ्रूट जाता है, तो वो फ्रूट फर्मेंट हो जाता है। बिल्कुल सही, बेहतर तरीका ये है कि सबसे पहले आप खाने से थोड़ी देर पहले फ्रूट लें, ताकि वो जो फ्रूट की न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हैं वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। खाने से पहले लें? यस, खाने से पहले इज द बेस्ट टाइम टू हैव फ्रूट। वो कौन इंसान था जिसने खाने के बाद सबसे पहले फ्रूट खाया और एक रिवाज ही बन गया? बाकी फूड हम खाते हैं खाने के बाद, चलो जी मीठा हो जाए कुछ, तो मीठे में हम एज ए फ्रूट यूज करते हैं, तो ये गलत बात है इसका मतलब? नहीं, इट्स बेटर देन हैविंग समथिंग शुगर बेस्ड। हाँ, अगर तो आपके पास चॉइस है कि आप एक केक का पीस खा लें या आप खाने के बाद फ्रूट खा लें, तो डेफिनेटली वी विल से हैव फ्रूट। मगर अगर फ्रूट से आपको उसकी जो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन निकालनी है और आप चाहते हैं कि आपको पूरी उसकी जितनी भी विटामिन प्रोफाइल है उसका वो आपकी बॉडी को मिले, तो फिर डेफिनेटली आप खाने से पहले खाएं। बिल्कुल सही। एंड देर आर सर्टन फ्रूट्स जो आपको डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। बिल्कुल सही। वन ऑफ देम इज पपाया। अच्छा ही, क्योंकि उसके अंदर एक एंजाइम होता है। हाँ, जो अगेन आपको फ्रूट ब्रेक डाउन फूड ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। एंड द अदर वन इज पाइनएप्पल। पाइनएप्पल इज एन अमेजिंग फ्रूट, उसके अंदर ब्रोमेलिन एक एंजाइम है। सही, वेरी एंटी इन्फ्लेमेटरी, रियली रियली गुड फॉर यू। तो अगर आप थोड़ा सा पीस ऑफ पाइनएप्पल खाने से थोड़ी देर पहले खा लें, अगर आपको कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, अगर आपको हाजमे की प्रॉब्लम है, तो यू विल फील लाइटर। खाना खाने के बाद आपको लगेगा कि आपने जो है वो ज़्यादा खाना नहीं खाया है, या इजीली आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। सो दीज टू फ्रूट्स आई वुड डेफिनेटली से ऐड टू योर डाइट। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, हम लोग एक तो हो गया ना फ्रूट, एक दूसरा ये है कि जितनी भी सोडा की प्रोडक्ट हैं, सोडा फिजी ड्रिंक्स हैं, हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि हम खाने के बाद जनाब गरम गरम फूड और यक बॉटल किसी कोई भी, चाहे वो डाइट हो चाहे वो दूसरी हो, तो ये कितना को आप कितना आप हमारे जो नाज़रीन हैं सुन रहे होंगे, बड़े गौर से सुन रहे होंगे मुझे उम्मीद है, और पता भी चल रहा होगा कि हमारी बात हो रही है। जो जो पीता है ना, वो कहते हैं ना दिल में पता होता है कि यार समवन हैव प्रॉब्लम, कि यार हम नहीं छोड़ सकते, मेरे अपने घर में ये प्रॉब्लम है, कोक के बगैर हम लोग फिजी ड्रिंक के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, तो वो कितना को नुकसान दे है? उसके बारे में आज अगर सबको बता दें जरा। आई थिंक हैविंग अ फिजी ड्रिंक इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू विद फूड, क्योंकि फिजी ड्रिंक इतना शुगर बेस्ड होता है, उसमें जो है वो केमिकल्स हैं ऑफ कोर्स टू मेक इट फिजी, आपके वो सिस्टम को अपसेट कर देता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को अपसेट कर देता है, आपको शुगर रश दे देता है। सो आई थिंक फिजी ड्रिंक्स तो डेफिनेटली आप अवॉइड करें, यहाँ तक कि हम कहते हैं कि ठंडा पानी भी ना लें खाने के साथ। बेस्ट है आप ग्रीन टी ले लें, लोग खाने के बाद लेते हैं विच इज़ फाइन, बट आई प्रिफर ग्रीन टी विथ फूड। आपको इतना लाइट फील होता है जब आप एक वार्म ड्रिंक ले रहे हैं, ग्रीन टी नहीं तो आप गर्म पानी ले लें फूड के साथ। कि देखिए हम जिस किस्म का फूड खाते हैं वो कितना ग्रीसी होता है। सही बात है। कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है, क्या पूछना चाहेंगी? आई जस्ट वांट टू आस्क, आप अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज लो कर दीजिए फिर आप बात कीजिए। हाँ जी, just I want to ask about I get wind in my tummy after eating food, even after 5-6 hours of food I get wind, lot of wind burping coming out from the bottom. Okay, just I want to know what shall I eat and what to avoid.
बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है. बड़ा बड़ा बड़ी ये जो ये कॉमन प्रॉब्लम है, अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको खाने के बाद बर्बिंग की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है. बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है. आप बंद कीजिए फोन और आप टीवी पे सुनिए, वहां पर उसका जवाब देते हैं. यही वही बात होगी, कॉमन प्रॉब्लम है. खाना खाया उसके 3-4 घंटे के बाद आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, बर्बिंग की प्रॉब्लम है, एसिडिटी हो गई है, गैस हो गई है. तो इसके लिए क्या ऐसा चीज फूड में ऐड कर लिया जाए कि वो ये चीजें ना हो? देखिए, ये चीज़ें जब आपको हो रही हैं तो दिस इज़ अ साइन कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है. बिल्कुल सही. आपको फ्लैचुएंस नहीं होनी चाहिए, आपको बर्पिंग नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल सही. ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है. तो इसके लिए ये है कि आप वही वाली बात जैसे मैंने आपको बताई कि ट्राई करें कि आप वार्म वाटर लें फूड के साथ. सही. अजवाइन एक बहुत अमेजिंग चीज़ है एंड इट रियली हेल्प्स. अगर आप अजवाइन जो है वो थोड़ी सी वार्म वाटर में डाल के खाने के साथ साथ लेते रहे, यू रियली फील अ डिफरेंस कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव जूसेज हैं, वो जरा इजिली फ्लो होंगे, इजिली आपका खाना डाइजेस्ट होगा. सही. एक और चीज़ आप ये कर सकते हैं, ग्रीन बिटर्स, वो अगर आप अपने खाने में ऐड करें. ग्रीन बिटर्स में आपके आगे रॉकेट जो सैलड है, क्योंकि वो थोड़ा सा कड़वा होता है, तो उससे यह होता है कि आपकी बाइल प्रोडक्शन होती है. सही. और अगर किसी ने आपसे मिलना हो, जैसा अभी ये इनको प्रॉब्लम है लेडी को, और ये प्रॉब्लम एक ऐसी है जो आप नॉर्मली, जैसा मैंने पहले भी कहा, डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा. डॉक्टर विल गिव यू टाइम मोर देन 10 मिनट्स, सो यू कॉन्ट डिस्कस एनीथिंग विद एवरीथिंग विद द डॉक्टर. सो शी गॉट द ब्लोटिंग प्रॉब्लम, बर्बिंग प्रॉब्लम, एसिडिटी, गैस. So if you want to meet with you, if you want to take the supplements, so what you will you suggest? इसके लिए यह है कि आप अपॉइंटमेंट लेके आए हमसे मिलने के लिए, सो वी कैन असेस यू प्रॉपरली. आपकी फूड डायरी हम देखें कि आप क्या खा रहे हैं. फिर हमारे पास स्पेशल टीज ब्लेंड्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं डाइजेशन में. वी गॉट सम सप्लीमेंट्स इफ़ यू नीड देम, वो हम आपको दे सकते हैं, आप ले सकते हैं कि डाइजेशन आपकी थोड़ी सी बेहतर हो जाए, ये जो सारे आपके इश्यूज हैं ये काम डाउन हो जाए. तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन हेल्प यू विद. सही. और आपका जो क्लिनिक है वो ऑफ सेंट जॉन स्ट्रीट है, रेमेडी लाउंज कंसल्टिंग रूम्स, मिल्टन हॉल, डीन्स गेट. और अगर आपसे कोई फ़ोन पे बात करना चाहे, फ़ोन नंबर आपका मौजूद है, ईमेल भी कर सकते हैं. आपके पास जनाब वेबसाइट मौजूद है www.eatrightforlife.co.uk, और आप उस पर भी हमारी डिफरेंट टिप्स हैं, बड़ी अच्छी आपको डाइजेस्टिव इश्यूज से रिलेटेड टिप्स मिलेंगी. तो आप अपने आप को बड़ा बेहतर कर सकते हैं. कॉलर भी हमारे साथ है जी. अस्सलाम वालेकुम. हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम. आई एम रियली सॉरी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आपकी आवाज नहीं आ रही. जी आपकी हमें आ रही है. आप टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने तो टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल ही बंद कर दिया है. बिल्कुल ठीक है, आप बताइए आप क्या पूछ रहे हैं. आवाज नहीं आ रही आपकी. आवाज नहीं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप बताइए क्या पूछना चाहती हैं. जी मुझे ना हाइएटस हर्निया है, और मैं जो चीज से खाती हूँ ना, मुझे है ना स्लाइड अप होता है, और उससे एसिडिटी और एंजाइटी बहुत होती है. सही. और वो यानी कि चेस्ट पे है ना सब कुछ है ना, इतना बर्डन हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है. सही. इसकी वजह से मैं काफी परेशान हूँ. मैं डॉक्टर से भी रास्ते में हूँ. मैं है ना गैस्ट्रोलॉजी की टेबलेट भी लेती हूँ, गैविकॉन भी लेती हूँ. तो उसके बारे में मुझे है ना कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम है, यानी कि बहुत ही गैस पेट में है. बिल्कुल ठीक है. उसके लिए मुझे है ना आपसे है ना मशवरा करना है. बिल्कुल ठीक है. मैं बराबर लेती हूँ जी. बिल्कुल ठीक है. और मुझे आप बताइए कि मैं क्या करूँ. हाइएटस हर्निया यानी कि जब होता है तो मुझे काफी तकलीफ होती है, एसिडिस एंड एंग्जाइटी. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. एक काम आप कर लीजिए कि आपके पास स्क्रीन पे नंबर मौजूद है. हेलो. ठीक है, आपके पास स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, आप अपने पास सेव कर लीजिए, और प्रोग्राम के बाद आप कॉल कर सकती हैं किसी भी टाइम, और आप जरूर मशवरा कर सकती हैं अफशान अबदी से. और सेकेंडली ये कि आपको फिर हम बताएंगे कि हम आपको कुछ हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह कि आपका ये जो मसला है ये हल हो जाए. इसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज जो हैं, आप क्या फूड ले रही हैं, क्या आपके लिए नुकसानदेह हैं, उन्हीं चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं, और हम पूछते भी हैं अपनी गेस्ट से. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. वही बात होगी अफशान जी कि वो हर एक कोई एंजाइटी है, प्रॉब्लम है ब्लोटिंग का. और ये एक वही मैं बता रही हूँ ना कि हमारे जितने नाज़रीन हैं
उनमें से मेरा ख्याल है मैक्सिमम में से ज़्यादातर मैक्सिमम कुछ लोग ऐसे होंगे, बहुत कम होंगे जिनको बहुत ज़्यादा अबूर हासिल है इस बात पे कि यार उनको प्रॉब्लम है और वो इस चीज़ पे गौर करते हैं कि यार हमने खाना खाया है 4-5 घंटे के बाद बहुत ज़्यादा बर्बिंग प्रॉब्लम है, सर में दर्द है, आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, और फिर वही बात कि वही खाने के बाद फिजी ड्रिंक्स चल रही हैं और हम क्या खा रहे हैं, और फिर वही बात जो आपने बड़ी अच्छी बात की है जो कि हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी ज़रूरी है समझनी कि फ्रूट जो है आप, एक तो आपने कहा पाइनएप्पल और एक पपाया जो है वो हजम करने के लिए बड़ा जरूरी है, लेकिन वो खाने से पहले, नॉट खाने के बाद। खाने के बाद आप इतना कुछ खाने के बाद फिर आप फ्रूट खा रहे हैं और वो जो है वो ज्यादा आपके लिए खतरनाक हो जाता है। तो अच्छा, एक और चीज है जो मेरे जहन में बार बार आती है कि हम आमतौर पर हमारी जो वेजिटेबल्स होती हैं, हम लोग ज्यादातर हमारे यहाँ मटन चिकन के बगैर तो खाना ठंडा लगता है वैसे ही, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं जी चिकन और मटन ना हो तो खाने में कंप्लीट ही नहीं होता खाना, तो उसके साथ हम ऐसी क्या चीज अपने फूड में ऐड कर सकते हैं जो फूड को डाइजेस्ट कर सकती है, जैसे आपने अभी अजवाइन का बताया बड़ी अच्छी चीज है, इसके अलावा क्या चीज है जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करे? फ्रेश ग्रीन्स, अगर आप ये आदत बना लें कि आप एक बोल ऑफ सैलेड अपने साथ रखें जिसके अंदर ग्रीन्स ज़्यादा हो, सही, स्पेशली ऐसे ग्रीन्स जो आपके बिटर ग्रीन्स हैं जो थोड़े से कड़वे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये बिटर ग्रीन्स जो है ये आपकी बायल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और हमारा खाना क्योंकि इतना फैटी होता है, इतना ग्रीस बेस्ड होता है, तो हमारी जो है ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इसको कट डाउन किस तरीके से करें। तो वो आप ग्रीन एक सैलेड का बोल रखें, उसके अंदर आप अपने बेबी स्पिनच डाल लें, उसके अंदर आप रॉकेट सैलेड डाल लें, उसकी ड्रेसिंग के लिए आप थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर या थोड़ा सा लेमन, तो ये सब चीज़ें जब आप मिक्स करके लेते हैं ये आपकी डाइजेशन को हेल्प करती हैं। बट देन अगेन इसकी क्वांटिटी, लोगों को क्वांटिटी नहीं पता, लोग थोड़ा सा सैलेड ले लेंगे जैसे 2-4 टेबल स्पून, नो दैट्स नॉट इनफ। जितना आपका एक सीरियल का बोल है उतना आपने बोल अपना सैलेड का लेना है, ठीक है, उतनी क्वांटिटी जब आप लेंगे देन इट विल बी इफेक्टिव। सही। अच्छा, ये जो हमारी कॉलर आई थी लास्ट, इनका प्रॉब्लम था एंजाइटी थी और इनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम थी, इनके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? ये आपको फोन पे बात कर लें तो आप इन्हें मशवरा दे देंगी, आपके पास आए सप्लीमेंट्स हैं कुछ आपके पास? जी डेफिनेटली, हमारे पास स्पेशल सप्लीमेंट्स हैं जो इनकी एसिडिटी में हेल्प कर सकते हैं, इनके डाइजेस्टिव जो इश्यूज हैं उसमें हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा ये गैविस्कॉन ले रही हैं। सही। सो गैविस्कॉन यूजुअली उनको दी जाती है जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो आपका स्टमक एसिड लो कर देती है। मगर जैसे कि मैंने आपको बताया acidity is not a cause when you have high stomach acid. Usually it's a cause when you have low stomach acid. बिल्कुल। तो हो सकता है इनका stomach acid low हो जिसकी वजह से इनका food ही breakdown नहीं हो रहा हो, तो इनको gas भी है, constipation भी है। फिर ये देखना है कि इनकी diet क्या है, क्या खा रही है, तो अगर मुझे contact करें so I can help her in advice. बिल्कुल सही। किसी को भी अगर problem है, digestive issues हैं और आप discuss नहीं कर सकते specialist हमारे जो मौजूद है nutrition therapist आप अफशान आबिदी, इनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लाइव नंबर मौजूद है, वेबसाइट भी है www.eatrightforlife.co.uk। अच्छा, हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा टाइम है, आज की टिप क्या है जो कि लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है जानना कि ब्रेड और रोटी के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं रोटी खाए बगैर हमारा पेट नहीं भरता, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा, रोटी और राइस की एक बहुत अमेजिंग सब्स्टिट्यूट है, इट्स अ सुपर फूड। अच्छा, उसका नाम है कीनवा। कीनवा जी, वो आप अगर मेरी वेबसाइट पे जाएं तो आपको डिटेल में उसकी रेसिपी भी मिल जाएगी, एंड देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई कैन एडवाइज यू कि आप कहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, इसकी ये खूबी है कि इट्स वेरी हाई इन प्रोटीन। है तो ये एक ग्रेन मगर इसका प्रोटीन लेवल बहुत हाई है। सही। इसके अंदर मिक्सचर ऑफ मिनरल्स है, इट्स हाई इन आयरन, हाई इन जिंक, तो अगर आपको एनीमिया है देन अगेन इट्स रियली गुड फॉर यू। जिनको वेट का इश्यू है और वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, इट्स लो कैलोरी, इट्स लो कार्ब, इट्स अ कंप्लीट फूड। और ये आज से थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले इनका एक ट्राइब थी, उनके वॉरियर्स यूज करते थे फॉर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। सही। क्योंकि इसको खाने से यू फील रियली रियली एक्टिव, आपकी जिसे कहते हैं ना बॉडी एनर्जाइज रहती है, क्योंकि प्रोटीन बेस्ड है तो स्लो बर्निंग है। सो दिस इज एन अमेजिंग थिंग एंड आई वुड एडवाइज यू टू विजिट माय वेबसाइट फॉर फर्दर डिटेल्स। सही, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच अफशान जी, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को हम फिर कोई अच्छे टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ, नई टिप्स के साथ, और हमारा ये जो टॉपिक है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, इसकी वजह से जिस किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, इवन इनके पास डिफरेंट पैकेजेस मौजूद हैं सप्लीमेंट के जो कि स्किन, हेयर,
نیلز, اس کے علاوہ آپ کی ڈائجسٹو سسٹم سے ایشوز جو ہیں ان سب سے ریلیٹڈ ان کے پاس سپلیمنٹ موجود ہیں. آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اسکرین پر نمبر موجود ہے. اور اس وقت ٹائم بالکل اختتام پہ ہے, اپنی ہوس آسیہ کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ آپ صحت یاب رہیں اور اپنی غذا کو غذائیت سے بھرپور بنائیں, اپنی غذا سے وہ چیزیں نکال دیں جو آپ کے لیے پرابلم ہیں اور آپ کو بیماری کا باعث بنتی ہیں. اور ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم دوبارہ اچھی چیزیں لے کر آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا آپ کو اپنے فوڈ سے نکالنا ہے اور کیا کیا ایڈ کرنا ہے تو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اچھا ہو جائے. تھینک یو سو مچ, خدا حافظ.